हेलो दोस्तों, आप लोग का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि यूपी एसआई एग्ज़ाम चल रहे हैं और आने वाले एग्ज़ाम में जैसे कि हो जाएगा एसएससी जीडी हो गया, यूपी पीसीएस आरओ और इलाहाबाद आरओ के एग्ज़ाम आने हैं, ठीक है। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, फोर्ब्स इंडिया द्वारा सबसे प्रभावशाली एक्टर्स की सूची में निम्न में से किस अभिनेत्री को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो चार ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, सो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, रश्मिका मंदाना, ठीक है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की तरफ से जारी ताजा रैंकिंग में 116 देशों में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 101, ठीक है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 101 रैंक भारत को प्राप्त हुई है। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व खाद्य दिवस वर्ल्ड फूड डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और फिर नेक्स्ट है, T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दुनिया के पहले निम्न गेंदबाज कौन बन गए हैं। तो सबसे पहले कौन बना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन साकिबुल हसन, ठीक है। तो साकिबुल हसन से अगर पूछा जाएगा किस कंट्री के हैं या किस देश से हैं, तो ये बांग्लादेश से हैं, ठीक है। फिर इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, T20 के सभी प्रारूपों के 300 मैचों में कप्तानी करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी महेंद्र सिंह धोनी। तो याद रखिएगा, महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास ले लिया है, बट ये आईपीएल खेलते हैं, इसकी वजह से यहां पे पूछा गया है T20 के सभी प्रारूपों में, तो इसलिए आंसर हो जाएगा इनका सी ऑप्शन। फिर नेक्स्ट है, विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली विश्व देश की पहली महिला पहलवान निम्न में से कौन बन गई है। तो ऑप्शन हो जाएगा, चार ऑप्शन दिए गए हैं ये, सो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, अंशु मलिक, ठीक है। तो याद रखिएगा, विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली देश की पहली महिला पहलवान कौन है, अंशु मलिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2021 किसे प्रदान किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल रज़ाक गुरनाहा को, ठीक है, बी ऑप्शन है इनका आंसर। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन, आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022 से लेकर 23 की पहली त्रिमाही के रियल्स जीडीपी ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है। सो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 17.2%, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना दिवस इंडियन एयरफोर्स डे निम्न से किस दिन मनाया जाता है। सो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 8 अक्टूबर को, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में स्वामित्व योजना के तहत 3000 गांवों के 1,71,000 लाभार्थियों को ई संपत्ति कार्ड वितरित किए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मध्य प्रदेश को। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप फिश वाले लॉन्च किया है। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, असम ने, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल ही में अगले 5 वर्षों के कुल 4,445 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ कितने मेगा इंटीग्रेट टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल्स पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 7 हैं, याद रखिएगा 7 पार्क हैं। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में रायगढ़ जिले के अलीबाग के मशहूर सफेद प्याज को भौगोलिक संकेतक, मतलब जिसको बोलते हैं GI टैग मिल गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, महाराष्ट्र को। फिर नेक्स्ट है हमारा, आईपीएल के एक सत्र में सबसे ज्यादा विकेट 29 विकेट लेने वाले पहले भारतीय निम्नलिखित में से कौन बन गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, हर्षल पटेल।
आप देखिए ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर निम्न में से क्या रख दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा राम गंगा नेशनल पार्क, ऑप्शन डी। ठीक है, फिर है विश्व कपास दिवस वर्ल्ड कॉटन डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 7 अक्टूबर को। फिर नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 6 अक्टूबर 2021 को दुनिया की पहली किस वैक्सीन के बच्चों पर व्यापक इस्तेमाल की सिफारिश की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन मलेरिया। ठीक है, तो याद रखिएगा मलेरिया की पहली वैक्सीन है जो बच्चों पर व्यापक इस्तेमाल की जाएगी, सिफारिश की है। और फिर हमारा क्वेश्चन से हाल ही में किस मंत्रालय ने ड्रोन आधारित वैक्सीन डिलीवरी मॉडल ड्रोन रिस्पॉन्स एंड आउटरीच इन नॉर्थ ईस्ट नाम से लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने। ठीक है, तो याद रखिएगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है निम्न में से किस राज्य द्वारा राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय योगदान हेतु लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई पुरस्कार प्रदान किया जाता है? सो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शंस असम। तो असम में ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और गंगा नदी डॉल्फिन दिवस गंगा रिवर डॉल्फिन डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 5 अक्टूबर को। ठीक है, तो ये डेज वाले क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछे आते हैं एग्जाम में, तो डेज आप लोग देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में निम्न में से किसने कार्यभार संभाला है? इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन BC पटनायक। नेक्स्ट है दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य निम्न में से कौन बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और फिर नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC ने हाल ही में किसको भारत में नया प्रमुख नियुक्त करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन वैंडी वर्नर। फिर नेक्स्ट है T20 क्रिकेट में 400 छक्के मारने वाले भारत के पहले खिलाड़ी एवं दुनिया के 7वें बल्लेबाज निम्न से कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन रोहित शर्मा, जिनको हिटमैन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हिंदी एवं गुजराती की 300 फिल्में और रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले किस कलाकार का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन अरविंद त्रिवेदी। तो उनका नाम जो था वो अरविंद त्रिवेदी था। तो इंपॉर्टेंट है, निधन वाले भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। फिर नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने मशहूर कॉमिक करेक्टर चाचा चौधरी को निम्न किस मिशन पर का आधारिक शुभांकर्ष घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से नमामि गंगे मिशन का। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन किस राज्य सरकार ने अपने क्षेत्र में हाथियों को करंट लगने से होने वाली मौत से बचाने के उद्देश्य से बिजली वितरण कंपनी को 225.75 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? सो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से ओडिशा सरकार ने दिए हैं ये। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में फोमियो किसीदा ने पदभार ग्रहण कर लिया है? सो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन जापान। जापान में इस पे एक ऑप्शन मिसिंग है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन जापान। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने हाल ही में कहा है कि उसने 41 कितने करोड़ रुपए में SB एनर्जी इंडिया का ग्रहण कर लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 26,000 करोड़ रुपए से। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन RBI ने
बैंक ऑफ बड़ौदा के किस पूर्व महाप्रबंधक को NBFC का प्रशासक नियुक्त किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, रजनीश शर्मा को नियुक्त किया है। फिर नेक्स्ट है, किस देश ने पहली बार पर मारु पनडुब्बी से लॉन्च किए जाने वाले घातक जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है? तो इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, रूस ने किया है। फिर नेक्स्ट है, किस देश के प्रधानमंत्री अभी अहमद ने 5 वर्ष के दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली है? तो इसका आंसर हो जाएगा इथोपिया। तो याद रखिएगा, इथोपिया के ये पीएम है अबी अहमद। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन, विश्व शिक्षक दिवस वर्ल्ड टीचर्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 अक्टूबर, मतलब कि ऑप्शन सी। और नेशनल शिक्षक मतलब राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने 1 अक्टूबर 2021 को एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कांस्य पदक जीता है। तो याद रखिएगा, कांस्य पदक जीता है इन लोगों ने। निम्न में से किस राज्य में व्यापक रूप से उत्पादित किए जाने वाले चावल की एक खास किस्म वाडा कोलम को GI टैग दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, महाराष्ट्र को। और फिर एक और है इस पे निर्धन वाला क्वेश्चन, तारक मेहता का उल्टा चश्मा के लिए प्रसिद्ध कलाकार का 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, घनश्याम नायक, जिनको जिनका पेट नेम था नट्टू काका। ठीक है। और फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बोतल बंद पानी पर 1 जनवरी 2022 से बैन लगाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम में बैन कर दिए गए हैं, बैन कर दिया जाएगा 1 जनवरी 2022 से सारी बोतल जिसमें पानी जाता है, बोतल बंद पानी। और फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में कितने जिलों को सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम के तहत अगले 6 महीने के लिए अशांत घोषित कर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 3 है। तो याद रखिएगा, 3 स्टेट्स हैं, सॉरी 3 सिटी हैं, या 3 प्लेस मान सकते हैं, 3 जिले हो गए। और फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व पशु दिवस वर्ल्ड एनिमल डे निम्न से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 4 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व पशु दिवस। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत और किस देश ने 4 अक्टूबर 2021 को उस देश के पूर्वी जिले अंपारा में कॉम्बेक्ट ट्रेनिंग स्कूल में 12 दिवसीय मेगा सैन्य अभ्यास शुरू किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, श्रीलंका। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस अभिनेत्री को एक जिला एक उत्पाद ODOP का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, कंगना रनौत। और इनको अभी क्या मिला है, पद्मश्री अवार्ड मिला है। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बोटैनिकल्स सर्वे ऑफ इंडिया ने अपने नए प्रकाशन से प्लांट डिस्कवरी 2020 में देश की वनस्पतियों में कितने नई प्रजातियां जोड़ी हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 267। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने सभी क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, चीन ने अवैध घोषित कर दिया क्रिप्टो करेंसी को। हाल ही में किस देश ने तालिबान के नेतृत्व वाले अफगानिस्तान को $multi-billion की लागत वाले चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे परियोजनाओं में शामिल होने पर चर्चा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, से पाकिस्तान ने। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे निम्न से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 23 सितंबर को मनाया जाता है।
फिर नेक्स्ट है, विश्व रेबीज दिवस वर्ल्ड रेबीज डे निम्न से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से। ये जो सितंबर के डेज हैं इसके लिए मैं एक ट्रिक बनाऊंगा, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, जिससे कि सितंबर वाले जितने भी डेज इंपॉर्टेंट डेज हैं वो याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्न में से किस देश ने 24 सितंबर 2021 को कोरोना वायरस के खिलाफ कोविड शील्ड वैक्सीन को मान्यता दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इटली। नेक्स्ट है क्वेश्चन से, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन शक्ति चरण 3 के तहत निर्भया एक पहल कार्यक्रम शुरू किया या शुरू की शुरुआत की? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का ये क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और फिर नेक्स्ट है, लुइस हैमिल्टन से कितनी रेस जीतने वाले पहले फॉर्मूला 1 F1 ड्राइवर बन गए हैं? तो इसका आंसर बी हो जाएगा 100। इन्होंने 100 रेसेस जीत ली है। और ये लास्ट क्वेश्चन है, विश्व हृदय दिवस वर्ल्ड हेल्थ हार्ट डे निम्न से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा 29 सितंबर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट 50 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इसमें से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस थे वो हो गए डेज के, निधन और कौन प्रथम में है। ठीक है, तो एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा इनको, और आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो नोट डाउन कर लीजिएगा जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।